हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता, अ वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्राइवर नंबर 6 और कंडक्टर नंबर 1 के बारे में। ड्राइवर नंबर 6 किन लोगों का होता है? ड्राइवर नंबर 6 जो लोग किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को पैदा होते हैं, वो ड्राइवर नंबर 6 वाले होते हैं। और कंडक्टर नंबर 1, अगर किसी की पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर दिया जाए और सम टोटल आए 1, तो उसका कंडक्टर भी हो गया 1। तो आज बात करेंगे ड्राइवर नंबर 6 और कंडक्टर नंबर 1 के बारे में। जैसे कि अभी एग्जांपल लेते हैं इसका। कोई इंसान 24th January 1992 को पैदा हुआ है, तो अब सारी की सारी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे तो क्या आएगा? सम टोटल आएगा 1। तो यहाँ पर कंडक्टर हो गया 1 और 24 तारीख है तो ड्राइवर तो ऑब्वियसली बात है 6 है। तो अब ये जो 6 वाले लोग हैं, ये होते कैसे हैं? 6 शुक्र रूल करता है नंबर 6 को। सारी लग्जरीज का मालिक है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अच्छा पैसा, अगर आदमी है तो उसके लिए औरतें, अगर औरतें हैं तो उनके लिए आदमियां, मतलब जो भी सारी लग्जरी की मोह माया की चीज़ें हैं ना, वो सारी रूल करता है शुक्र। तो अगर मैं ये बोलूं दैट नो, ये लोग तो एक्चुअली में लग्जरीज भोगने आए हैं यहाँ पर। एक नंबर सूर्य का नंबर, राजा का नंबर, तो हर वो चीज़ जो कि नो ये क्लास है वो इनको चाहिए। हर चीज़ में एक क्लास दिखाई देती है इनकी। अगर एक कहीं से कुछ भी चीज़ उठाएंगे या लेकर आएंगे ना, तो वो ऐसी कुछ भी नहीं लेकर आ सकते। ये लोग हर चीज़ में एक वो क्लास ढूंढते हैं, इनको एक पर्टिकुलर क्लास चाहिए। इनके जैसा, इनके नज़रों में जो क्लास नहीं है वो बेकार है। एक्चुअली में दे आर एक्चुअली बॉर्न टू इन्जॉय प्लेजर्स ऑफ लाइफ। बहुत अच्छा कर सकते हैं ये म्यूज़िक, ड्रामा, आर्ट, स्पीच, जो भी आर्टिस्टिक चीज़ें हैं उनमें बहुत गज़ब का कर सकते हैं। बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है इनका आर्ट्स की तरफ, बड़े इंक्लाइंड होते हैं ये आर्टिस्टिक चीज़ों की तरफ, आर्ट्स की तरफ, या फिर हर वो चीज़ जो सुंदर दिखाई देती है, अच्छी लगती है, क्लासी लगती है, उन सब चीज़ों की तरफ ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। और ये खुद भी उसी नेचर के होते हैं। पैसा बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत जल्दी कमाते हैं। इनफैक्ट इनकी मेहनत का जो फल होता है ना, इनको बहुत जल्दी मिलता है पैसे के रूप में। एग्जैक्टली बोलूँ तो पैसे के रूप में, मतलब मनी कम्स टू देम वेरी इजीली, बहुत इजीली आता है पैसा इनके पास। पैसा का इनका इतना बड़ा कोई झंझट या इशू नहीं होता है। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? ऑपोजिट सेक्स की वजह से इनको परेशानियाँ हो सकती हैं। अगर मेल है तो फीमेल की वजह से, अगर फीमेल है तो मेल की वजह से ये परेशानियों में पड़ सकते हैं। अपनी फैमिली के लिए अच्छे होते हैं, फैमिली के लिए एक अच्छा इनका नेचर भी अच्छा होता है। फैमिली के टूवर्ड्स अगर मैं बोलूँ, अटेंशन देते भी हैं, फैमिली को सपोर्ट भी करते हैं, फैमिली से जुड़े हुए भी होते हैं। लेकिन स्टिल इनका मन बाहर भी ऐसे भटकता रहता है। 6 नंबर है ये। ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं पॉलिटिक्स में और कोई भी ऐसी वेलफेयर एक्टिविटीज़ में जहाँ पर लोगों को की भलाई करनी हो। लेकिन 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 ये उन लोगों में से नहीं है जो चोरी छुपे लोगों की भलाई करेंगे। ये लोगों की भलाई करेंगे, वेलफेयर एक्टिविटीज़ करेंगे, लेकिन पूरा उसका शो ऑफ करके कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं। दे ऑलवेज 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 वॉन्ट क्रेडिट फॉर वट एवर दे डू। जो भी ये करेंगे उनका उसका क्रेडिट ये ज़रूर से ज़रूर लेंगे ही लेंगे। ये अपना क्रेडिट छोड़ने वालों में से नहीं है। ये 9 नंबर नहीं है कि अपना क्रेडिट छोड़ देगा, ये कर देगा लेकिन क्रेडिट नहीं लेगा। ये 9 नंबर नहीं है, ये 6 नंबर है भाई। और साथ में मिला है इसको 1 का, सूर्य का, जो चमकता है तो पूरे दुनिया को पता चलता है कि सूरज बाहर चमक रहा है। तो ये छुपने वाले लोगों में से नहीं है, ना छुपा के कोई काम करने वाले लोगों में से हैं, डंके की चोट पे काम करने वाले लोगों में से हैं। जिस ग्रुप में रहते हैं ना, बड़े पॉपुलर होते हैं, मतलब यू कैन नॉट इग्नोर देम। एक्चुअली 6 नंबर वाले हैं यार, कैसे इग्नोर कर दोगे आप इन्हें? यू कैन नॉट इग्नोर देम। इनका इम्पेकेबल ये जो सेंस ऑफ ड्रेसिंग है, इनको बहुत पॉपुलर बनाता है अपने पूरे ग्रुप में। सारे के सारे जो ग्रुप के लोग होते हैं वो इनकी ड्रेसिंग सेंस को मैच करने की कोशिश करते हैं, कोई इनको कॉपी करने की कोशिश करता है। मतलब 6 नंबर के का जो ड्रेसिंग सेंस है, जो इनका बात करने का तरीका है, बोलने का तरीका है, इसकी वजह से ये अपने पूरे ग्रुप में, सर्कल में, और साथ में मिल गया 1 का साथ। इस वजह से लीडरशिप स्किल्स
बहुत गजब की होती हैं। तो जिस भी ग्रुप में रहते हैं, जिस भी सर्कल में रहते हैं, उसमें बहुत पॉपुलर रहते हैं और एज अ लीडर वाली पोजीशन पर रहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त पैसा कमा सकते हैं अगर लग्जरी आइटम्स में काम करें तो, लग्जरी आइटम्स से रिलेटेड किसी भी आइटम्स से रिलेटेड काम करें तो। लेकिन अगर नेम नंबर मिसमैच होगा, अगर इनका नेम नंबर इनके ड्राइवर और कंडक्टर से एंटी हो गया वहाँ पर, और जो कि होने के बड़े चांसेस हैं अगर आपका ड्राइवर 6 और कंडक्टर 1 है, क्योंकि इनके एंटी नंबर्स बहुत हैं, तो यहाँ पर अगर इनका नेम नंबर एंटी हो गया तो वहीं पर इनका ये जो ईगो है वो इतना ज़्यादा हावी हो जाएगा कि लोग इनसे बात नहीं करना चाहेंगे, पैसा ज़बरदस्ती में गवाएंगे, गलत आदतों में पड़ेंगे और साथ में पैसा 2 रुपए कमाएंगे तो 10 रुपए खर्च करने तक की टेंडेंसी रखेंगे, लोन्स बढ़ जाएंगे सर के ऊपर, क्योंकि शोशाबाजी में हद से ज्यादा पैसा बर्बाद करेंगे अगर नेम नंबर इनकरेक्ट हुआ तो। एक्चुअली में नेम नंबर अगर फॉल्टी हुआ ना तो एक होता ना सारी की सारी वो जो गुड क्वालिटीज हैं या फिर वो सारी जो पैसा कमाने की क्वालिटी हो गई, बात करने की क्वालिटी हो गई, वो सब यू टर्न ले लेंगी। ये अपने ड्राइवर और कंडक्टर जो इनको इतना अच्छा ड्राइवर और कंडक्टर मिला हुआ है उसको इनकैश नहीं कर पाएंगे। मतलब ये एक तरीके से उस चेक की तरह हो गया कि आपके हाथ में करोड़ों रुपए का चेक है लेकिन आपको उसको इनकैश कौन से बैंक से करना है ये नहीं पता है। तो ये हालत हो जाएगी अगर नेम नंबर फॉल्टी हुआ या नेम नंबर मिसमैच कर गया आपके ड्राइवर और कंडक्टर से। तो प्लीज़ अगर आपको नहीं पता कि किस तरह से करते हैं, आप मैंने एक छोटा सा कोर्स बनाया है, आप उस कोर्स को देख सकते हैं और अपने आप जान सकते हैं कि आप अपने नेम नंबर को किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अपने फैमिली में हर किसी के नेम नंबर को करेक्ट कर सकते हैं। और साथ में अब बात करते हैं इनके लिए सेमी प्रीशियस स्टोन्स कौन से अच्छे होते हैं। अगर आपका ड्राइवर नंबर 6 है और कंडक्टर 1 है तो आपके लिए सबसे अच्छा जो स्टोन है वो है ग्रीन एवेंट्रीन। आप ग्रीन एवेंट्रीन पहनिए, आपको एक बैलेंस मिलेगा लाइफ में कि कितना खर्चा लग्जरी पे करना है, कितना सेविंग करनी है। वो जो सेविंग करने वाली आदत नहीं होती है ना, वो इनहेरेंटली ड्राइवर नंबर 6 है, कंडक्टर नंबर 1 है, तो इनहेरेंटली सेविंग करने वाली आदत नहीं बन पाती है। तो आप ग्रीन एवेंट्रीन का ब्रेसलेट पहनिए और साथ में अपने घर में 5 नेचुरल क्वार्ट्ज के टंबल्स रखिए, 5 नेचुरल क्वार्ट्ज के टंबल्स रखिए, 5 रोज क्वार्ट्ज के टंबल्स रखिए अपने घर में, एंड जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो सारी एब्जॉर्ब कर लेते हैं टंबल्स। सिंपली आप अपने घर में 5 नेचुरल क्वार्ट्ज और 5 रोज क्वार्ट्ज के टंबल्स रखें एंड यू विल सी आपके घर में हार्मनी, आपके घर में वो जो एक सामंजस्य का माहौल कई बार नहीं बन पाता है वो सब बनने लगेगा एंड आपका फाइनेंशियली यू विल सी दैट ग्रोथ इन योर लाइफ ग्रीन एवेंट्रीन का ब्रेसलेट पहनने से। लेकिन फिर बोलूंगी ऐसे कहीं से भी मत ले लेना यार, बहुत बहुत लूटपाट मची हुई है, भारी कांच रंग रंग के दे रहे हैं लोग। मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगी एनर्जाइज रेमेडी का, वहां से मंगवाना, या फिर आपको जानते हो, आप किसी को ऐसे जानते हो कि भाई यहाँ से ये सही चीज देते हैं, ठीक है डन, तो वहाँ से ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन कौन सी है। इनके लिए सबसे ज्यादा अच्छी डायरेक्शन है नॉर्थ। अपने घर के नॉर्थ में 5 मिनट बैठ के ज़रूर से ज़रूर मेडिटेट करें, अपने पेंडिंग काम वगैरह जो भी है थोड़ी देर अपने घर के नॉर्थ में ज़रूर बैठें, अपने घर के नॉर्थ को क्लियर क्लटर फ्री रखें, वहाँ पर कोई भी लाल कलर का सामान ना आने दें, वहाँ पर कोई भी ऐसा सामान जो तेज़ धार वाला हो वो ना रखें, वहाँ पर कोई ऐसा मतलब जलने वाला सामान ना रखें जैसे गैस बर्नर वगैरह, सब ये सब सारी चीज़ें आपके घर के नॉर्थ में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके लकी नंबर और इनके लकी कलर्स के बारे में। आपके लिए लकी नंबर है नंबर 5 और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन कलर। इनफैक्ट आपके लिए क्रीम कलर भी बहुत अच्छा रहेगा, क्रीम हो गया, ग्रीन हो गया, ये दोनों कलर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। इनके लिए लकी प्रोफेशंस या फिर इनकी आत्मा को सेटिस्फाई करने वाले प्रोफेशंस कौन से हो सकते हैं वो बताती हूँ। कोई भी जेम स्टोन से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, ज्वेलरी से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, सोलर पावर जनरेशन से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, लग्जरी आइटम्स की सेल का बिजनेस कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ड्रेस मटेरियल्स हो गए, या फिर पॉलिटिक्स में जाएं, आप तो बने ही पॉलिटिक्स के लिए हैं, किसको क्या बात पसंद आएगी, किसके कानों को सुनने में क्या बात अच्छी लगेगी, आपसे ज़्यादा अच्छा कौन जानता है, और साथ में एक नंबर जो आपको लीडरशिप स्किल्स दे रहा है वो किस दिन काम आएंगे। सो आप अपना हाथ पॉलिटिक्स में भी ट्राई कर सकते हैं। सो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करूंगी। थैंक यू सो मच आज के लिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।